गुड मॉर्निंग गाइज वेलकम टू पांडव इंग्लिश अकेडमी आई एम भागीरथ गोदारा विद न्यू वीडियो आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की स्टडी करेंगे काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट टेंस है लगभग सभी एग्जाम्स में इस टेंस से सेंटेंस आते हैं सो तो इसको हम बहुत ही ध्यानपूर्वक अच्छी चित्र से समझने की कोशिश करेंगे हम पढ़ेंगे कि इस टेंस की डेफिनेशन क्या होती है एडवर्ब क्या होती है एडवर्ब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि एडवर्ब के माध्यम से ही किसी भी सेंटेंस को हम किसी टेंस के साथ में रिलेट कर सकते हैं तो वो भी इस सेंस के पढ़ेंगे हेल्पिंग में पढ़ेंगे मैंने पढ़ेंगे सेंटेंस के अलग अलग फॉर्मेशन पढ़ेंगे इंटरव्यूटिव कैसे बनता है सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है डब्ल्यू एच वर्ड वाला कैसे बनता है ये सब पढ़ेंगे सो so, आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें कमेंट करें अपने फ्रेंड्स को फॉलो करवाएं उनसे शेयर भी करवाएं बढ़ते हैं सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन देखते हैं डेफिनेशन से ही आप सबको समझ आएंगे द एक्शन दैट हैज पॉसिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग इन फ्यूचर ऑन द सपोज टाइम इज रिटर्न इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस ध्यान दें कि कोई भी कार्य फ्यूचर में किसी सपोज टाइम का मतलब है कि एक निश्चित समय पर ध्यान दें सपोज टाइम का मतलब फ्यूचर के किसी समय तक जब कोई कार्य की पूर्ण होने की संभावना होती है तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखते हैं एक बार और ध्यान से सुने फ्यूचर में किसी निश्चित समय तक, फ्यूचर में किसी किसी निश्चित समय तक, जब कार्य पूर्ण होने की संभावना होती है तो उसे फ्यूचर परफेक्ट में लिखते हैं जैसे मैं बोल दूं, मैं 2023 तक अपना घर बना चुका होऊंगा है ना या मैं ऐसे कह दूं 2022 तक इसरो गगनयान टू भेज चुका होगा मैं ऐसे बोल दूं 2025 तक भारत बुलेट ट्रेन चला चुका होगा फ्यूचर में किसी निश्चित समय तक फ्यूचर का समय 2023, 2022, 2025 हजार मैंने बोला है इसके अलावा ऐसे भी बोल सकते हैं कल कल शाम तक मैं ये काम पूरा कर चुका हूँ है ना? या आज शाम को 5 बजे तक मैं पूरा काम कर चुका हूँ फ्यूचर में फ्यूचर का टाइम होना चाहिए जब फ्यूचर का समय है तो वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा इसके दो वर्ड आएंगे बिफोर या बाई प्लस टाइम ध्यान से देखें बिफोर या बाई प्लस टाइम अगर इन दोनों के बाद में टाइम वर्ड आता है तो वो ओनली एंड ओनली फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा इसके अलावा और कोई भी टेंस नहीं हो सकता ऐसी एडवर्ब और कहीं आती ही नहीं है आगे हम बढ़ते हैं एडवर्ब के रूप में एडवर्ब बिफोर या बाई प्लस टाइम वर्ड मैं कह दूँ बाई टमोरो बाई टू थाउजेंड थर्टी मैं से कह दूँ बाई नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट मंडे बाई नेक्स्ट मंडे बाई नेक्स्ट मंथ इस तरह से या फिर मैं चाहूँ तो ऐसे भी कह दूँ बिफोर नेक्स्ट मंडे बिफोर नेक्स्ट ईयर बिफोर टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव बिफोर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन है ना बिफोर या बाई प्लस टाइम वर्ड आएगा तो निश्चित तौर पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा ये दोनों एडवर्ब और कहीं भी नहीं आती है ध्यान दें इन दोनों के बाद में एड टाइम वर्ड होना चाहिए सेंटेंस नहीं बिफोर का यूज इससे पहले एक बार और मैंने करवाया है दो बार लेकिन वहाँ पर सेंटेंस आया है लेकिन यहाँ क्या आ रहा है टाइम वर्ड आ रहा है आगे देखते हैं इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल एंड सेल का यूज होगा हमने पढ़ा कि फ्यूचर के सभी पार्ट्स के अंदर विल एंड सेल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है है ना तो यहाँ भी विल ऑफ सेल विल ऑफ सेल से फ्यूचर को इंडिकेट करती है परफेक्ट के लिए अलग आएगी देखते हैं अब मैंने कह दिया कि परफेक्ट आपने पढ़ा है अभी तक टेंथ सभी टेंस पार्ट पढ़ लिए लगभग तो जब भी परफेक्ट होता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का आना निश्चित है परफेक्ट का मतलब कार्य का पूर्ण होना तो जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है लेकिन हमने ये भी सीखा है कि विल एंड सेल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो फिर यहाँ थर्ड फॉर्म कैसे आएगी क्योंकि हमें सेंटेंस का मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा जबकि इन दोनों के रूल को क्योंकि इनके बाद ओनली फर्स्ट फॉर्म आती है तो इनको सेटिस्फाई करने के लिए फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ेगा इसलिए हमने क्या किया हैव का यूज किया हैव एक मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मानी जाती है हैव मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मानी जाती है एक बात का और ध्यान रखिए यहाँ हैज नहीं आ सकता कहीं आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज कर दे नहीं हैज जो होती है वो फिफ्थ फॉर्म होती है क्या होती है फिफ्थ फॉर्म होती हैज है नहीं आएगा हैज नहीं आएगा ओनली हैव आएगा हैव आ गया हमें पढ़ा है हैव के बाद में की थर्ड फॉर्म ही आती है तो इस बात का और ध्यान से पढ़े तो विल सेल ये दोनों मेन वर्ब है कभी कभी मैं देखता हूँ कि टीचर्स ये पढ़ाते हैं कि विल एंड सेल है, 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 है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है Have एक है एक मेन अगर नोट आता है तो हैव के पहले आएगा यहाँ आएगा ध्यान दें नोट हमेशा तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होगी आगे बढ़ते हैं स्टेटमेंट सेंटेंस पढ़ेंगे हम किस इस टेंस से किस तरह स्टेटमेंट सेंटेंस कैसे बनता है स्ट्रक्चर तो शायद आप लोग जान चुके होंगे सब्जेक्ट सबसे पहले आता है स्टेटमेंट सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वो की विल एन सेल होगी इसके बाद में नोट आएगा उसके बाद में है आएगा, क्या आएगा है आएगा, बाद में वी थर्ड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर ध्यान से दें विल सेल के साथ है फर्स्ट फॉर्म आ रहा है और हैव के साथ मैन ऑफ थर्ड फॉर्म के रूप में आ रही है इसी बात को ध्यान से ध्यान में रखें और ध्यान से पड़े आई थिंक ये सब चीजें आपको समझ में आई होगी आगे हम इसके सेंटेंसेस के पार्ट पढ़ते हैं अब मैं सेंटेंस सिखा रहा हूं पवन विल हैव न्यू कार बाय 2018 है ना पवन 2018 तक नई कार ला चुका होगा ला चुका होगा अब ये जो वर्ड है ये ये फ्यूचर को इंडिकेट करता है हालांकि 2020 चल रहा है आप सौदे से टू कर ट्वेंटी कर सकते हैं इसे स्लाइड पे ले, की ले हो सकता है लेकिन फ्यूचर के लिए ऐसा होगा सो so, यहाँ क्या आएगा टाइम वर्ड आ, के साथ में विल है प्लस आएगी। आगे देखते हैं सुनील विल नोट बिफोर सुनील नौ नो बजे से पहले जयपुर नहीं पहुंच चुका होगा कहाँ है फ्यूचर का टाइम है इस बिफोर को ध्यान से देखिए बिफोर का यूज इसके सहित तीन जगह हो गया है दो जगह और हुआ है एक जगह बिफोर के बाद में एक सेंटेंस आ रहा है जिसमें सेकंड फॉर्म आ रही है एक में बिफोर के बाद में कुछ नहीं आ रहा है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है और जो जिसमें सेंटेंस आ रहा है वो पास्ट परफेक्ट का है और ये फ्यूचर परफेक्ट है फ्यूचर परफेक्ट में जब ये आएगा तो इसके बाद में टाइम आएगा ध्यान से देखिए फ्यूचर परफेक्ट में बिफोर का यूज दो बार होगा दो जगह होगा एक तो ये इसके बाद में टाइम आ रहा है एक इसके बाद में एक सेंटेंस और आएगा तो हम पहले वाला पढ़ रहे हैं दोनों किसी भी चीज को मिक्स नहीं होने दें उनके बीच में तुलनात्मक तो स्टडी करें तब आपको ये समझ में आएगा आगे और बढ़ते हैं अमन विल है बाहुबली थ्री बाई नेक्स्ट ईयर का मतलब है कि अगले साल तक अमन बाहुबली थ्री देख चुका होगा बाहुबली थ्री देख चुका होगा आगे और देखते हैं ज्योति विल है हर प्रोजेक्ट वर्क बिफोर नेक्स्ट मंडे अगले मंडे से पहले तक ज्योति अपना प्रोजेक्ट वर्क पूरा कर चुकी होगी इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं आगे देखते हैं आई थिंक ये सब चीजें आपको समझ में आई होगी सेंटेंस को बनाने का फॉर्मेट समझ में आया होगा आप अपने स्तर पर आप अपने ऐसे कोई भी कार्य जो आप फ्यूचर में पूरा करना चाहते हैं प्रैक्टिस के रूप में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखें अब मैं आपको कुछ तेन दे रहा हूं यहां पर आप वो वाक्य लिखें जो आप प्रैक्टिकली आप अपने जीवन में या आप अपने आसपास में ऐसे कोई कार्य जो फ्यूचर के किसी समय किसी समय तक पूर्ण होने की संभावनाएं रखते हैं आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं अगले साल तक दसवीं पास कर चुका हूँ मैं अगले साल तक यह कार्य कर चुका हूंगा इस तरह का आप कोई भी कार्य सेंटेंस लिख सकते हैं आगे और देखते हैं। अब yes no है कि जब भी इंग्लिश में यस और सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले वर्ब रख देते हैं अगर हम सबसे पहले वर्ब रख देते हैं तो वह सेंटेंस इंटरोगेटिव बन जाता है और कोई भी चेंजमेंट कहीं नहीं करना है क्योंकि हेल्पिंग ऑफ मैन ऑफ तो वही रहेगी लेकिन हेल्पिंग ऑफ पहले आ जाएगी तो हेल्पिंग ऑफ एन सेल सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस प्लस थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर लास्ट में इंटरव्यूटिव मार्क लगाना नहीं भूलें आगे हम इसके सेंटेंसेस देखते हैं सेल वी हैव रीच्ड टू द डेस्टिनेशन बाय इवनिंग का मतलब है क्या हम अपने गंतव्य तक डेस्टिनेशन तक इवनिंग तक पहुंच चुके होंगे क्वेश्चन है पहुंच चुके हैं तो यस का आंसर नहीं पहुंच चुके हैं तो नो का आंसर देंगे ये एक क्वेश्चन है जिसका आंसर यस या नो no हो सकता है क्या हम हमारे गणित्व तक शाम को शाम तक पहुंच चुके होंगे ये आपको आंसर देना है विल यू हैव बिल्टो हाउस बिफोर नेक्स्ट ईयर क्या आप अपना घर अगले साल तक बना चुके होंगे अब आपको इसका आंसर यस में देना है और ये नो no में देना है तो मैंने बताया था एक और सेंटेंस पढ़ लेते हैं राधा नोट है अगले महीने तक गुलीवर्स नहीं पड़ चुकी होगी yes, so no answer है ना यस नो का आंसर है पड़ चुकी होगी तो यस का आंसर दे नहीं पड़ चुकी हो तो नो का आंसर दे तो देखें मैंने आपको बताया है जब भी ये हेल्पिंग वहली आ जाती है तो वहां पर वो क्वेश्चन इंटरोगेटिव होगा और यस और टाइप का होगा इस तरह ही ध्यान रखना इंग्लिश ग्रामर में दिल्ली क्या हम दिल्ली आठ बजे तक पहुंच चुके होंगे आगे और देखते हैं मंडे क्या आप मुझे मंडे तक गिफ्ट भेज चुके होंगे इसको इस तरह से बनाना है आई थिंक ये भी चीज समझ में आई होगी आगे हम पढ़ते हैं डब्ल्यू एच और एच ओ डब्ल्यू वर्ड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे अभी तक हमने जो फॉर्मेट यश और नो वाला पढ़ा था वो यहाँ से शुरू हो रहा था यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो फॉर्मेट था उसी फॉर्मेट के पहले यदि आप डब्ल्यू एच और एच ओ डब्ल्यू वर्ड रख देते हैं तो वो डब्ल्यू एच और एच ओ डब्ल्यू वर्ड टाइप सेंटेंस बन जाता है अभी हम देखते हैं हु विल हैव सेंट यू ए लैपटॉप बाई नेक्स्ट ईयर अगले साल तक आपको लैपटॉप कौन दे चुका होगा कौन भेज चुका होगा तो कौन उस व्यक्ति का नाम बताना है अब यह आंसर ये शोर नहीं होगा नहीं होगा अब यहाँ होगा आंसर उस व्यक्ति का नाम स्थान का नाम वस्तु का नाम समय का नाम ऐसे हमें बताना पड़ेगा कार्य करने का तरीका कार्य करने का कारण ये सब चीजें हमें बतानी होगी वोट विल कमल हैव सेंट यू बाय नेक्स्ट ईयर देखो अभी इससे पहले तक यहाँ था अब हमने वोट जोड़ दिया इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट हटा दिया यहाँ से क्या दिया? हटा दिया ऑब्जेक्टिव हटा दिया क्योंकि वोट से क्वेश्चन है

आगे देखते हैं हाउ विल यू हैव सोल्व दिस एक्सरसाइज बाय नेक्स्ट मंडे आप अगले मंडे तक इस एक्सरसाइज को कैसे सोल्व कर चुके होंगे इन सभी क्वेश्चन ये सभी क्वेश्चन WH और HOW वर्ड टाइप के हैं जहाँ पर हमें व्यक्ति स्थान वस्तु कार्य करने का तरीका कार्य करने का कारण समय स्थान के बारे में बताना पड़ेगा आंसर ये और नो का नहीं देना होगा आई थिंक ये भी आपको समझ में आया होगा आगे हम बढ़ते हैं अब मैं आपको दो आंसर दूंगा ये एक आंसर है इस आंसर से ये थ्री क्वेश्चन बनाने हैं और ये एक आंसर है इस आंसर से ये वन क्वेश्चन बनाना है तो देखते हैं आंसर क्या है सुन अस दिस लेसन बाय नेक्स्ट मंडे तो हु कौन पढ़ा चुका होगा वो क्या पढ़ा चुका होगा किसे पढ़ा चुका होगा है ना इन तीनों से ती ये तीन क्वेश्चन इसी आंसर से बनेंगे तो आई थिंक आप बनाने में सक्सेस हो सकेंगे फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें सेकेंड आंसर जो है पवन ओल्डी तो आपको ना, how, how old, ना, old, कितने, कितने साल का हो चुका होगा 2020 तक ये आपको क्वेश्चन बनाना है आई थिंक ये सब चीजें आपको अच्छा लगी होगी यदि इसमें कोई क्वाज हो तो आप कमेंट करें यस yes. मैंने काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें कमेंट करें अपने फ्रेंड के भी इसमें शेयर करें उनसे फॉलो भी करवाएं मेरे चैनल पर क्लास सिक्स या ट्वेल्व तक एस और इंग्लिश के सभी लेसन्स के वीडियो आपको मिलेंगे इसके अलावा आपको इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश कंपोजिशन के वीडियो मिलेंगे इंग्लिश ग्रामर के सभी टॉपिक्स आपको मिलेंगे इंग्लिश कम्पोजिशन में एप्लीकेशन राइटिंग स्टोरी राइटिंग लेटर राइटिंग एशिया राइटिंग नोटिस राइटिंग एडवर्टाइजमेंट राइटिंग सब चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेगी सो so, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग हैव ए नाइट